Good morning students, in the previous video we have completed vocabulary part. Now today we are going to start the grammar section. So here it is written countable and uncountable nouns. So ye maine aapko grammar mein bhi padhaya hai that what are countable and countable nouns. Countable nouns are used for things we can count using numbers. So countable noun ko hum tab use karte hain jab hum kisi cheez ko count kar sakte hain using numbers like 1, 2, 3. They have a singular and a plural. प्लूरल फॉर्म, उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं. द सिंगुलर फॉर्म कैन यूज़ द डिटरमाइनर ए और ए एन. तो सिंगुलर फॉर्म में दोनों चीज़ें आ सकती हैं ए और ए एन. इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ अ काउंटेबल नाउन यू कैन यू आस्क हाउ मैनी कम्बाइंड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन. अगर हमें क्वान्टिटी पता करने किसी चीज़ की तो हम क्या यूज़ करके क्वान्टिटी के बारे में पूछते हैं, हाउ मैनी, कितने सारे. Look at the following examples of countable nouns. तो अब हम देखते हैं कुछ examples. She has 3 dogs. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है dogs कितने हैं, 3 हैं, है ना, तो हम इनको count कर सकते हैं. I own a house. I would like 2 books, please. How many friends do you have? तो ये सब चीज़ें उनके बारे में हम बात करें जो हम count कर सकते हैं. Now come to page number 42. Uncountable nouns are used for things that we cannot count. जिन चीज़ों को हम count नहीं कर सकते हैं उनके लिए use होता है uncountable noun. Uncountable nouns are used with a singular form. और ये सिर्फ singular form के लिए use होता है. They usually do not have a plural form. उनका कोई plural form नहीं होता है. To express the quantity of an uncountable noun, हमें बताना है कि uncountable की जो quantity है, मतलब कितना है वो, use a word or expression like. तो हम उसके लिए use करते हैं सम, अ लॉट ऑफ, मच, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ. वी ऑल्सो यूज़ एन एग्जैक्ट मेजरमेंट लाइक. तो हम उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बताने के लिए यूज़ करते हैं वर्ड्स, अ कप ऑफ, अ बैग ऑफ, इतने कप का, इतने कप उसमें शक्कर थी, इतना बैग उसमें ऑयल था, 1 kg ऑफ, 1 liter ऑफ, अ हैंडफुल ऑफ, अ पिंच ऑफ, एन आर ऑफ, अ डे ऑफ. इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन यू आस्क हाउ मच. अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन वो होते जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि शक्कर है, शक्कर को हम नहीं गिन सकते, मीन्स शुगर को, हाउ मच शुगर इज़ देयर इन द जार. तो उसके क्वेश्चन बनाने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं हाउ मच. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. There has been a lot of research into the causes of the disease. अब disease हम count नहीं कर सकते हैं, वो uncountable noun है. तो यहाँ पर उसकी quantity पता चलती है, a lot of. He gave me a great deal of advice before my interview. Can you give me some information about uncountable nouns? He did not have much sugar left. Measure 1 cup of water, 300 grams of flour and 1 teaspoon of salt. How much rice do you want? तो अनकाउंटेबल जो चीज़ें हम नहीं गिन सकते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, अ लॉट, अ सम ऑफ, अ बैग ऑफ, है ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज गिवन डाउन. राइट डाउन द फॉलोइंग वर्ड्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स. तो अब हमें इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में उनको दोनों को अपनी अपनी जगह पर लिखना है. सो यू हैव टू टेक आउट योर पेंसिल्स एंड राइट दिस एक्सरसाइज विथ मी. सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एप्पल. तो हम एप्पल को काउंट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा कौन से ब्लॉक में आ जाएगा, एप्पल काउंटेबल नाउन में. तो हम यहाँ लिख देंगे ए डबल पी एल ई एप्पल, देन अनकाउंटेबल. अब हमें यहाँ पे लिखना है अनकाउंटेबल नाउन. सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट लक. जो लक है वो हम नहीं कर सकते हैं काउंट. सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर एल यू सी के लक अनकाउंटेबल नाउन के कॉलम में. ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तेल को यहाँ पे लिख देंगे अनकाउंटेबल में. पॉट को हम काउंट कर सकते हैं, सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट पॉट. बुक को हम काउंट कर सकते हैं, वर्क को हम काउंट कर सकते हैं. पेंट, पेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पी ए आई एन टी पेंट. पीनट, पीनट को हम काउंट कर सकते हैं, पी ए एन यू टी पीनट.
पेपर को भी हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारे पेपर होते हैं. PAPER पेपर. वुड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. पेंसिल एंड टॉवल को हम काउंट कर सकते हैं. PENCIL पेंसिल एंड टॉवल. सो काउंटेबल नाउन में हमने लिख दिया एप्पल, पॉट, बुक, वर्क, पीनट, पेंसिल, टॉवल, लक, ऑयल, पेंट, पेपर एंड वुड. नाउ कम टू द राइटिंग सेक्शन. तो हमें यहाँ बताना है राइट डाउन फाइव थिंग्स यू डू इन योर डेली लाइफ फॉर विच नॉलेज ऑफ रीडिंग इज नीडेड. तो जिससे हमें पढ़ के कुछ नॉलेज मिलती है ऐसी हमें पांच चीज़ें यहाँ पे लिखनी है. तो यू हैव टू राइट विथ मी टू रीड न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है. टू रीड न्यूज़पेपर. टू ऑपरेट कंप्यूटर. टू मेक कैलकुलेशन. टू पार्टिसिपेट. इन कॉन्फ्रेंस. एंड टू टीच सम पर्सन्स. टू टीच सम पर्सन्स. So you have to write these five points: to read newspaper, to operate computer, to make calculation, to participate in conference and to teach some persons. So here we have completed. So here we have completed our chapter. Now in the next video we will continue forward.